दोस्तों हर बार की तरह हम आपके लिए आज भी जानवरों के हंसा देने वाले मोमेंट लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर यदि आपका मूड खराब है तो वो ठीक हो जाएगा। तो चलिए इस मजेदार वीडियो को शुरू किया जाए, लेकिन इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। प्यारे से दिखने वाले इन पेंगुइन को तो आपने देखा ही होगा, जो कि चलते समय और भी ज्यादा क्यूट लगते हैं। और ये पेंगुइन कभी कभार ऐसी कुछ हरकतें कर देते हैं जिसे देखने के बाद हमारी हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। जैसे कि यहाँ पर ये पेंगुइन पत्थरों पर से कूदते हुए कहीं जाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ बीच रास्ते में आराम फरमा रही इस सील को पत्थर समझकर ये उसके ऊपर ही कूद जाता है। जिसके बाद भाई आप इस सील के रिएक्शन को तो देखिए, जो इस तरह से चिल्लाने लगा मानो इसके ऊपर कोई पेंगुइन नहीं बल्कि हाथी कूद गया हो। चिल्लाता क्यों रे? ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग की वजह। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, मैं तो अब खत्म हो गया यार। मैं तो अभी मेरी बारी। अरे सोने दो भाई, सोने दो, मेहरबानी करो मेरे ऊपर। जानवरों को वीडियोस निकालना या फिर कहो सेल्फी लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता। अब आप में से बहुत लोग कह रहे होंगे कि ये बात हमें कैसे पता, तो जरा आप इस क्लिप को देखें। हां भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? मुझे क्यों तोड़ा? तो देखा आपने, ये लड़की अपने घोड़े के साथ सेल्फी लेना चाहती थी, मगर घोड़े ने अपने मुंह से ही इसे चपेट दे डाली, जो कहने लगा बड़ी आई मेरे साथ फोटो खिंचवाने, चल भाग यहाँ से। तू भी आ, हाँ, ये ले, फोटो खींचेगा ना, ले, खींच, 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 फोटो खींच। कुत्ते को आपने इंसानों के साथ पंगे लेते हुए तो कई बार देखा होगा, या फिर कहो उंगली करते हुए कई बार देखा ही होगा, जिसमें कुछ कुत्ते लोगों के डायरेक्ट पीछे ही लग जाते हैं। मगर इन्हें सब का बदला बस एक आदमी ने ले लिया, जो कि आप इस सीसीटीवी में देख लीजिए। यहाँ पर यह कुत्ता रास्ते से आगे जा रहा था कि तभी पीछे से एक आदमी ने कुत्ते को उंगली करी और चुपचाप वहाँ से आगे निकल गया। जिसके बाद कुत्ता अभी भी यही सोच रहा है कि यार आखिर मुझे उंगली करी किसने। एक्सक्यूज मी यंग मैन, कहाँ है आप? मजाक उड़ाता है, बोलो तेरी मम्मी को। खैर बात कुछ भी हो, मगर ये नजारा देखने में तो काफी फनी है, क्योंकि ये कुत्ता भाई कई देर तक इस आदमी को ढूंढता रहा जिसने उसे पीछे से टोका था, जबकि वो आदमी तो वहाँ से 9:00-11:00 ही हो गया। ए, तेरा पैजामा फटा है, किधर फटा ले? टोपी पहनाया साले ने, मेरे को चूना लगा। प्रैंक हो गया आपके साथ। अभी हम इस इग्वाना की बात कर रहे हैं, जो इस बैग में से खाना चुरा रहा था। इस जानवर को यही लगा कि इसे कोई देख नहीं रहा, जिस वजह से भाई ने अपना मुंह मारना शुरू कर दिया। लेकिन इसका ओनर वही खड़े होकर सब कुछ देख रहा था, और जब इस इग्वाना को भी इस बात का पता चला, तब ये भाई वहाँ से मुंह छुपाकर निकलने लगा, मानो कि इसने कुछ किया ही ना हो। साले चोर, क्या किया तूने अभी? मैं तो प्याज लेने आया था। प्याज बाथरूम में? भारी मिस्टेक हो गया सर। बंदर कब कहां प्रकट हो जाए और ये क्या कांड करते, ये तो इन्हें भी नहीं पता होता। और ऐसा ही हमें यहां पे भी देखने को मिला। इस क्लासरूम में सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी वहां पर इस बंदर की एंट्री हो गई, और वो इस लड़की के बगल में आकर उसका हाथ पकड़ने लगा। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। तेरे संग छुपाई है, तेरे संग हमारी है। ये भेदभाव क्यों? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। टाइगर अपने शिकार को ऐसे ही जाने नहीं देते साहब, जब इन्हें भूख नहीं लग रही होती, सिर्फ तभी शिकार इनके हाथ से बच पाता है। यहाँ पर ये टाइगर टारगेट लॉक करके घोड़े पर हमला करता है, तभी पीछे वाला घोड़ा डर कर भागने लगा, लेकिन ये घोड़ा वही खड़ा रहा और टाइगर ने दोनों को ही कुछ नहीं किया, जो कह रहा होगा अरे भाई भागो मत, मैं तो प्रैंक कर रहा था।
का पूरा बैंड बजाता हूँ। बहुत दिन से हाथ साफ नहीं किया है मैंने, आज हाथ भरता हूँ। क्या बेटा? मैं तो प्याज लेने आया। दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।